नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये बालासिन और रियासत से संबंधित वीडियो है और यहाँ पर कोहलियों ने किस तरीके से बालासिन और रियासत के जो बाबी राजवंश है उनकी सहायता की थी आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा सवाल उन हमारे सब्सक्राइबर्स से है जो मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हैं, तो आपका सवाल ये है कि जो जंजीरा किला है जिस पर हमारे कोली समाज के लोगों ने शासन किया था और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम राजा राम राव पाटिल जो कि कोली समाज से थे, तो ये कोलियों की किस शाखा से आते हैं? आपके सामने जो चार ऑप्शन है उसमें से एक जवाब सही है उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम जान सकें कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी जानकारियाँ, उन्हें कितनी जानकारी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1758 में सरदार नवाब मोहम्मद खान बाबी ने बालासिन और रियासत की स्थापना की थी। तो ये जो रियासत है ये बाबी राजवंश से संबंधित है और इसी साल रघुनाथ राव पेशवा ने बालासिन और रियासत पर आक्रमण कर दिया और बालासिन और रियासत से श्रद्धांजलि भुगतान की मांग की। नवाब के नायब यानी एक छोटा पद होता है, तो वो इसके लिए मान गया, लेकिन जो नवाब थे वहाँ के उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने जो ट्रिब्यूट है यानी जो पेमेंट है उसे देने से मना कर दिया और जो नायब था यानी जो छोटे पद पे था उस व्यक्ति को उस पद से हटा दिया गया। उसकी जगह पर एक हबसी को नियुक्त कर दिया गया जिसका नाम सुल्तान था, लेकिन नायब सुल्तान पेशवा रघुनाथ राव के साथ मिल गया और 1759 में पेशवा रघुनाथ राव ने बालासिन और रियासत पर आक्रमण किया और नवाब मोहम्मद खान बाबी को हरा कर बालासिन और रियासत पर कब्जा कर लिया और अपनी मनमानी करने लगे। लेकिन 1761 में बालासिन और के स्थानीय कोलियों ने पेशवा रघुनाथ राव से युद्ध किया। इस लड़ाई में कोली जाति पेशवा रघुनाथ राव की सेना को हरा कर बालासिन और रियासत पर कब्जा कर लिया और सरदार नवाब मोहम्मद खान बाबी को दोबारा से बालासिन और रियासत की राजगद्दी पर स्थापित कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ सारांश में कि जो ये बाबी राजवंश था इस पर पेशवाओं ने हमला कर दिया और पेशवाओं से कोलियों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसलिए कोलियों ने पेशवाओं पर हमला कर दिया और पेशवाओं को हरा दिया। तो ये कोलियों के देखो कोलियों की कितनी एकता है कि वो इकट्ठा हुए और उन्होंने एक साम्राज्य के राजा को हरा दिया और वापस से जो राजवंश वहाँ पर पहले स्थापित था उस राजवंश को वापस से राजगद्दी पर बैठा दिया। तो ये हमारे कोलियों का इतिहास है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और जो मेरा सवाल था उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।